बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआस कुकिंग एंड ब्यूटी कॉर्नर में वेलकम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब हम बनाएंगे, इसके बीफ के शामी कबाब बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे 1.5 kg मैंने लिया है बीफ और 2 कप्स मैंने चने की दाल ले ली है। 2 कप चने की दाल लेके, चने की दाल को हमने भिगो दिया है, पहले से भिगो के रखी हुई है। इसके अलावा ये 2 अदद प्याज लिए हैं और ये 5-6 हरी मिर्चें हैं। 2 चम्मच है साबुत खुश्क धनिया, साबुत धनिया, और 10 से 12 गोल वाली लाल मिर्च। इसकी जगह आप कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला है ये, मैंने कंप्लीट इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्चें वगैरह इसमें लिए हैं, ब्लैक पेपर, और ये है हमारे पास काला ज़ीरा। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर ले लिया है। अंडे लेने, इसके लिए आप 3 से 4 अदद अंडे देखेंगे, उसकी कितनी थिकनेस होती है उसके मुताबिक ही हम कर लेंगे। इसके अलावा ये लहसुन और अदरक, अदरक का इतना पीस होना चाहिए, और साथ ही लहसुन 2 अदद मैंने बड़े उसके लहसुन के ले लिए थे। इसमें तकरीबन हो जाएंगी 10-15-20 इनके, इसमें से लहसुन के जवे बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है शामी कबाब के लिए। सबसे पहले हमने गोश्त कराना है, गोश्त में ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें हमने एंड पे ऐड करनी है, और इसके अलावा बाकी मसाले हम ऐड कर देंगे, और गोश्त को हम गलाने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। हमने इसको 20 मिनट के लिए गलाने के लिए रखना है, और उसके बाद हम उसमें दाल शामिल करेंगे। उस प्रेशर कुकर में गोश्त डाला है, अब इसमें हमने प्याज डाल देना है और बाकी सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे, और इसको गलने के लिए हमने रखना है। नमक आपने हस्बे जायका लेना है। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करते जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसमें पेस्ट बना लिया है। अदरक लहसुन को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये इसमें शामिल किया है, और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, काली मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाला गरम जो है ना, उसको मैंने पीस लिया था, ये पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। 4 ग्लास इसमें पानी शामिल करेंगे। अब इसका लिड टाइट करके इसको हमने गलने के लिए रख देना है, 20 मिनट के लिए रखेंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमने अब प्रेशर कुकर को उतार लिया है, इसमें अब हमने दाल डालनी है। अब मज़ीद प्रेशर कुकर को हमने 10 मिनट के लिए चलाना है। जी व्यूअर्स, अब हम इसे देख लेते हैं। इसको हम ठंडा होने देंगे ताकि इसमें जो बाकी पानी है, हल्का हल्का नमी है इसकी, वो और कम हो जाए। अभी इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं।
जी व्यूअर्स, अब ये सारा ठंडा हो गया है। अब आपके पास अगर चॉपर है तो चॉपर में डाल के आप इसको चॉप कर लें, नहीं तो आप इसको पीस लें। अब मैं इसको पीसने लगी हूँ, ये सारा पीस के फिर इसके बाद इसमें हमने अंडे, हरी मिर्च, प्याज और पुदीना शामिल करना है। जी व्यूअर्स, ये सारा मसाला हमने कबाबों का पीस लिया है, इस तरह का कर लिया। अब इसमें हमने प्याज शामिल करनी है, एक अदद बारीक कटी हुई प्याज और ये बारीक कटी हुई मिर्चें हमने इसमें शामिल करनी है। फ्रेश पुदीना इसमें शामिल करेंगे ताज़ा, और इसके अंदर अब हमने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं। व्यूअर्स, अगर आपको इसमें नमक कम लग रहा है तो ये इस वक्त आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसकी फिर मैंने टिक्कियाँ बनानी है कबाब की, फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। जी, ये कबाब मैंने बना लिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। ये कबाब हम पलट रहे हैं, ये सारे कबाब मैंने पलट लिए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत बने। और इस साइड से जब ये फ्राई हो जाते हैं तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम मेरी अच्छी अच्छी नई आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन पहुंचती रहें। थैंक यू व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।